तो गरीबी, भूखमरी, बलात्कार जो चल रहा है चलने दें। आई थिंक उन सब चीज़ों की जरूरत, आई मीन ऑब्वियसली रेप करना बुरी चीज़ है, बट मैं क्या कर लूँगी, एक जना मिलके क्या कर, एक जना कुछ नहीं कर सकता ना। मान लीजिए इस नए साल में आपको एक जादू की छड़ी मिल जाती है जिससे आप अपना जीवन जैसा चाहें वैसा बना सकती हैं, आपके ना पैसे की कमी होगी ना समय की। बस शॉपिंग करूंगी बहुत सारी शॉपिंग, कपड़े वर्ल्ड में घूम रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ। मैं यही होंगी, पहाड़ों में बस यही होंगी, अ गुड कॉटेज और समथिंग, एक अच्छा सा घर, खुद का रेस्टोरेंट खोल के या फिर गेस्ट हाउस टाइप ओपन करके लद्दाख में बस जाऊँ। तो जादू की छड़ी मिल जाएगी, आप जो चाहें कर सकते हैं, उसके बाद भी आप एक जरिया चाहेंगे जिससे आप पैसा कमा सकें। कुछ ना कुछ तो करना होगा, इंसान बने इसीलिए, मुश्किल हो जाएगा या क्योंकि फिर कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ करता है तो बिजी रहता है। तो पैसा आने के बाद कुछ करने को नहीं रहेगा या तो बस पैसे के लिए ही करना है जो करना है? नहीं ये ऐसा नहीं है, बट एक कैफे हो, एक रेस्टोरेंट हो, समथिंग ऐसा कि स्लो लाइफ। आपका जीवन वैसा दिख सकता है जैसा भी आप चाहें, तो वो कैसा दिखेगा? काफी सिक्स पैक्स वाला मेरा जीवन दिखेगा, मैं एक बीच पे बैठूंगी, मिमोसा पीऊंगी फॉर माय लाइफ एंड चिल, स्मॉल रन कैफे, दैट वुड बी माय लाइफ। मैं फार्मिंग करना चाहता हूं, सो प्रोबब्ली वही कर रहूंगा। आई थिंक गाड़ी खरीदूंगा, मेरे को डिजिटल का शौक है, टेक्नोलॉजी वो सब चीजें खरीदूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाती है जिससे समाज में कोई बदलाव आ सके, तो आप क्या बदलाव लाएंगे? चेंज क्या करना है यार, अब जो चीज़ जैसी है वो तो वैसी है, और अगर तो गरीबी, भूखमरी, बलात्कार जो चल रहा है चलने दें। आई थिंक उन सब चीज़ों की ज़रूरत, आई मीन ऑब्वियसली रेप करना बुरी चीज़ है, बट इस चीज़ को ऐसे देखो ना कि अगर मैं कहूँगा कि लड़ाई ना हो, पीस हो जाए, तो अब एक देखो कि अगर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो जो लोग आर्मी की जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब की ज़रूरत भी नहीं, उनका रोज़गार भी छिन जाएगा। क्राइम, रेप, मर्डर, आई मीन सॉरी गलत चीज़ है, बट अगर फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में रेप ख़त्म हो गया, मतलब क्राइम ख़त्म हो गया, मिस्टर से गलत मत समझना, बट क्राइम ख़त्म हो गया तो फिर पुलिस की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ बच्चों का सपना होता है मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, तो तुमने तो उनके सपने छीन लिए ना। ये मैं बदल दूंगा कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो चीज़ ज़रूर बदलने की कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी फैसले किए जाए। पॉवर्टी एंड लिटरेसी दो चीज़ें, रेप्स के केसेस बढ़ रहे हैं दैट आई थिंक, एंड चाइल्ड अब्यूज आई थिंक दैट शुड बी, वो हटना चाहिए। गरीबी मिटा दो, ये सब लोग आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिसेबल्ड हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो ये विकलांग लोग हैं इनकी, इनके लिए कुछ हो जाए। Eradication of child labor, women empowerment, इसकी हिंदी मुझे नहीं आती, Eradication of child labor, पैसा खत्म कर दूंगा मैं, समाज से पैसा गायब कर देंगे, सिर्फ बार्टर सिस्टम और कुछ भी नहीं। जैसे अगर मुझे फ्लाइट पकड़नी होगी तो वहाँ पे मैं चावल का बोरा लेके जाऊँगा। आप छोटी छोटी कोई और चीज़ें भी तो लेके जा सकते हो जो आपके यहाँ बनती हैं, मसाले के पैकेट भी ले जा सकते हो। साफ सफाई हो, स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं देखते हैं गंद पड़ा है, पर साफ सफाई के प्रति आप काम तभी करना चाहेंगे जब जादू की छड़ी हो, पर जब आपके पास समय होगा, पैसा होगा, तो इसके प्रति आप कुछ समाज सेवा नहीं करना चाहेंगे। एनजीओ खोल सकती है तू, ऐसा कुछ तू एक्टिंग टुवर्ड्स इट, वो एनजीओ खोल ले मैं घूम लूं। नहीं एनजीओ फिर भी नहीं, हम खोलेंगे फिर अपना रेस्टोरेंट, फिर हम अपना कैफे खोलेंगे, हॉस्टल खोलेंगे, डॉर्म्स वगैरह, तो वो सारी चीजें। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि आपके पास सारा समय सारा पैसा है, आपने तो इलिटरेसी और पॉवर्टी की बात की, आप तो बस घूम रही थी। घूम के पॉवर्टी और लिटरेसी का पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे पॉवर्टी और इलिटरेसी है। पर जब आपके पास दुनिया भर का पैसा है और खाली समय है, उसमें आप इसके प्रति कुछ नहीं करना चाहेंगी? एक जना कुछ नहीं कर सकता ना, एक जना कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है एक दो जनों को ठीक कर सकती हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो आपको नहीं लगता कि एक दो लोग जो बलात्कार ना करें उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। पर फिर भी जब आपके पास समय था और पैसा था, आपने चूज़ किया कुछ ना करना। एक्चुअली कुछ ना करना आई थिंक वो भी कुछ करना होता ही है ना, कुछ नहीं करना पड़े रहना तो नहीं होता है। लेकिन जब आपको खुद जादू की छड़ी मिली, आपकी जिम्मेदारियां हट गईं, तो आपने पहाड़ पे जाके कैफे खोल लिया, तब आपने ये जो विकलांग लोग हैं इनके लिए कुछ क्यों नहीं करना चाहा? क्यों नहीं करूँगा, अगर मेरा कैफे होगा मैं ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के लिए करूँगा ना, अगर मेरा कैफे है अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो मैं जरूर उनको कुछ खाने का दूंगा, रात में जैसे अलग से
क्या कहते हैं, मान लीजिए अलग से बना दिया उनके लिए प्लेस जहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं खाना वगैरह। तो लेकिन जब आपको खुद को जादू की छड़ी मिली और अब आपके पास पूरा समय था, तब तो आपने इन मुद्दों के लिए कुछ किया नहीं, तब तो आपने कैफे खोला और आप मिमोसा लेके बीच पे बैठ गए। क्योंकि अपने लिए करना था ना तब, अब आपने पूछा दुनिया के लिए करना है। आपका जीवन ऐसा भी दिख सकता है कि भाई हम, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सारी दुनिया का समय है, हम जाके बाल मजदूरी हटा रहे हैं। आपका जीवन ऐसा दिख सकता है। फूड फॉर थॉट को जो हिंदी में बोलते हैं, मैं वो बोलना चाहूंगी। शायद अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करते करते हम में से बहुत से लोगों को अपने लिए सोचने की इतनी आदत हो जाती है कि हम दूसरों के लिए कुछ करने का तभी सोचते हैं जब वो जादू की छड़ी हिलाने जितना आसान हो। हम ये भूल जाते हैं कि अगर आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि बहुतों ने दूसरों का सोचा और बहुत से लोग अभी भी दूसरों का सोचते हैं। तो अगर हम चाहें तो आज हमारी वजह से भी कोई दूसरा चैन की नींद सो सकता है।